मेरे ब्रांड न्यू शूज। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, मैं अब काफी दिन के बाद ब्लॉग कर रहा हूँ, यानी मेरे को कुछ एक हफ्ते के बाद ये ब्लॉग आएगा, यानी काफी लेट हो चुका क्योंकि मेरे एग्जाम्स थे। तो कल मेरा यानी मंडे को मेरा लास्ट एग्जाम है। आप लोग ये वीडियो संडे को देख रहे होंगे, तो गाइस मंडे को मेरा लास्ट एग्जाम है। लास्ट एग्जाम है इंग्लिश का, उसके बाद पीटी है, तो उसमें मैं ब्लॉग करूंगा, देखूंगा ब्लॉग हो पाया तो। टाइम की तरफ देखें तो टाइम हुआ फुल फ्रेम, टाइम की तरफ देखें तो टाइम हुआ कुछ 2:36। मैंने आरजे का वॉलपेपर लगा दिया है मेरी चैनल का लोगो का। तो गाइस मैं हो चुका हूँ नहा धो के रेडी, बाल को इग्नोर करना, मैं बाल सुखाना है मेरे को, और मैंने अपनी वॉच को चार्ज पे लगा दिया है। तो गाइस अभी मैं निकालने जा रहा हूँ एक और एंगल से टाइम लैप्स, ड्यूल एंगल टाइम लैप्स आपको देखने मिलेगा। तो गाइस आइए एक और। वो देखो सामने से फाइटर प्लेन जा रहा है, देखना अभी आर्मी वालों का ये आया। ये देखो भाई, ये काफ़ी अच्छा है, हमारे घर के पास ही एयरपोर्ट है। आज लगता है इधर मैं जाऊंगा, इधर आपको दिखाऊंगा। तो गाइस टाइम लैप्स कैसा लगा बताना। तो गाइस अभी भी पीछे से फाइटर प्लेन जा ही रहा है। तो गाइस अभी मैं दिखाता हूँ मेरे बाजू में, यानी कुछ इधर डॉग बैठा है इस वाले यानी दूसरों के टेरिस पे। तो गाइस उसको डराते हैं, आ जाओ। तो गाइस मैं कैमरा को छुपा देता हूँ, यानी इधर किधर सेट कर लेता हूँ, फिर डराते हैं। तो गाइस अभी मेरे हो चुके हैं एग्जाम कंप्लीट, यानी आज की डेट देखें और टाइम देखें तो कुछ। तो गाइस टाइम की तरफ देखें तो टाइम हुआ 11:35 और डेट आज हुई है कुछ, डेट हुई है 29, यानी कुछ 6 दिन के बाद है दिवाली। तो गाइस मैं आपको सब बताना चाहूँगा कि भाई हमारी दिवाली में पूरी फैमिली आती है और हम लोग क्या क्या करते हैं। तो गाइस मैं बताऊँ आपको थोड़ी देर के बाद, और ये व्लॉग आपको 30 डेट को देखने को मिल जाएगा। तो गाइस मैं मिलता आपको थोड़ी देर के बाद। तो गाइस दिवाली की भी शॉपिंग होती जा रही है, यानी मेरे पापा मेरे लिए कुछ शूज लेके आए हैं जो आपको दिखा रहा हूँ। और टाइम की तरफ देखें तो टाइम हुआ है कुछ 7:10, दिखाता हूँ टाइम और शू भी। सबसे पहले तो देख लिया अपना टाइम जो हुआ 7:05, और ये रहे मेरे ब्रांड न्यू शूज। तो गाइस कैसे लग रहे हैं कमेंट में बता देना, और काफ़ी मेरे को तो काफ़ी अच्छे लगे क्योंकि मेरे को फॉर्मल पे पहनने के लिए तो थे शूज। यानी मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने व्लॉग में पहनता हूँ, आज तक पहने नहीं होंगे शर्ट से, मैं दिखा देता हूँ वो भी कैसे हैं शू। गाइस ये मेरे फॉर्मल में पहनने के शू हैं जो मैं फॉर्मल पे पहनता हूँ, कुछ वेलवेट कपड़ा है इसके अंदर। तो गाइस और ये मेरे को आउटफिट जो मैं पहनता हूँ, आपको बताऊंगा कि मैं फंकी भी पहनता हूँ। तो गाइस इसके लिए मेरे पास शू नहीं थे, जो मेरे पास आ चुके हैं, काफ़ी कंफर्टेबल है। और वाइट कलर चाहिए था, जो इधर ये वाइट है और ये ऑफ वाइट है। तो गाइस इसका कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लगा, और बाकी इधर पैटर्न भी काफ़ी अच्छे अच्छे किए हुए हैं देखो, और एकदम मस्त सॉलिड कपड़ा है। तो गाइस आपको भी लेने हो तो आप भी ले सकते हो, मेरी तारीफ से इसको 5 में से 5 स्टार है। तो गाइस आप नीचे कमेंट में बताओ कैसे लगे शू, और इस वाले व्लॉग को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। बाकी एक बार शू यार देखो, मेरे को बहुत पसंद आ रहा है, पर ये फॉर्मल के भी कुछ गंदे नहीं है। मैंने ये अभी 1 साल होने आया मैंने लिए थे, काफ़ी अच्छे हैं। और मैंने ये भी यहाँ से ही लिए थे, अपने सिटी से ही। तो ये शू भी अच्छा है और ये भी शू अच्छा। तो गाइस मैं एक और न्यू चप्पल भी लेके आऊँ जो मैं आपको दिखाऊँगा, लोगों चलो दिखाई देते हैं। ये रही मेरी चप्पल जो मैं बेंटंग का इस आपको बताऊँगा, इस बार मैंने न्यू कोई ट्राई किया है। तो इस चप्पल की प्राइस है कुछ 800 रुपीज़ नहीं है, मैंने ये ओनली 250 के लिए, यानी 250 रुपये की चप्पल ली। और ये शू तो गाइस मैं पूरा सेट रख के दिखाता हूँ आपको। हो गाइस ये कुछ मैं दिवाली में ये सब पहनने वाला हूँ जो आपको पता ही है। तो ये मैं पहनूंगा दिवाली के दिन, जब भी मैं हम लोग पूजा करेंगे, मतलब पूजा में तो उतार दूंगा, बाकी हम लोग बम फोड़ेंगे तो मैं ये वाला पहन दूंगा। मगर फॉर्मल पहनूंगा तो ये पहनूंगा, बाकी ये चप्पल मैं ऐसे ही पहनूंगा। बाकी चप्पल भी काफ़ी कंफर्टेबल है, चप्पल भी काफ़ी अच्छी लग रही है मेरे को। और ये जो ब्लू कलर का ये दिया हुआ है ना ब्लू शेडोज में, तो गाइस ये काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को। हो गाइस मैं और गाइस फाइनली मैंने चार रुपये खा लिया। अभी टाइम के साथ देखे तो टाइम हुआ है 11:20। तो गाइस मैं अपनी वॉच में देख लेता हूँ टाइम हुआ है 11:15। तो गाइस अभी मैं आपको दिखाता हूँ मेरी ग्रीन स्क्रीन भी आ चुकी है। तो गाइस आइए देखते हैं ग्रीन स्क्रीन को, और बाकी जो आप बोलोगे वो करेंगे। अभी नेक्स्ट व्लॉग आपको देखने मिलेगा दिवाली की सफाई। तो गाइस इधर
ये पड़ी मेरी ग्रीन स्क्रीन, तो इसको निकालते हैं और इसको फिर से बंद कर देते हैं और ये ग्रीन स्क्रीन को इधर रखते हैं, फिर दिखाते हैं। ये मेरी ग्रीन स्क्रीन है, जैसे मैं शॉर्ट्स वीडियो बनाता हूँ और जो इस चैनल पर टैग की वीडियो आती है वो सारी। कैसे आपको अगर मेरे प्रीवियस व्लॉग देखने हैं तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो, यानी कोई मेरे चैनल पर नया है तो भाई वो प्रीवियस व्लॉग्स भी मेरे देख सकते हो। और तो और गाइस एक बात और बोलनी है, तो गाइस मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना। मैं इंस्टाग्राम पे दो आई डी है, एक प्राइवेट अकाउंट है और एक वो अकाउंट है जो मैंने व्लॉग के लिए ही बनाया। तो गाइस उस पर मैं क्या करता हूँ, एंगल ठीक करने दो जा, ठीक है चलो। तो गाइस उस पर मैं क्या करता हूँ कि भाई जो भी व्लॉगिंग से रिलेटेड काम होता है तो मैं उधर डालता हूँ, यानी मतलब अभी मेरा व्लॉग समझो 1 बजे आना हो तो 12:30 बजे मेरा उधर पोस्ट आता है कि भाई मेरा व्लॉग आने वाला है, तो आप लोग देख सकते हो आसानी से। और मैं प्रीमियम करता हूँ तो काफ़ी अच्छा लगता है। और बाकी जो बोलोगे आप वो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना। और तो आप लोग कमेंट में बताओ कि भाई मैं ट्विटर का अकाउंट बनाऊँ कि नहीं, और क्या था भाई मैं भूल गया तो सोच के बताता हूँ। हाँ गाइस याद आ गया। तो गाइस अभी एक और है कि भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दिया, और मेरे गेमिंग चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको भी चेकआउट करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। इस वाले ब्लॉग को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। गुड बाय।